सो लेटर गुरुदास के लिए है, लॉस एंजल्स से लिख रहे हैं प्रभुपाद। 14 दिसंबर 1968 और शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, माय डियर गुरुदास, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज वेरी मच एनकरेजिंग टू मी टू हेयर ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज ऑफ परफॉर्मिंग कीर्तन देयर। तो पहले एक्चुअली एलए में, लॉस एंजल्स में और बाहर अमेरिका में लोग कीर्तन बहुत करते थे सड़कों पे। और ओके, सो तो अमेरिका में पहले बहुत ज्यादा कीर्तन होता था, इतना ज्यादा कीर्तन होता था कि लोग इस्कॉन डिवोटीज को बोलते थे ऑरेंज रोब्स, मतलब ऑरेंज कपड़े पहनते थे ना। सो लोग कहते थे हाँ ये ऑरेंज लोग आ गए, ऑरेंज कपड़े पहनने वाले लोग आ गए। प्रैक्टिकली डिवोटीज सड़कों पे ही रहते थे, 8-8 घंटे कीर्तन होते थे, 8-8 घंटे कीर्तन प्रभुपाद के टाइम। इतने उत्साहित थे लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन। मतलब अभी भी मैं अमेरिका में, कहाँ गया था मैं, डेट्रॉइट, तो वहाँ कुछ फॉरेन डिवोटीज हैं मंदिर में और वो रोज 5 घंटा कीर्तन करने जाते हैं सड़कों पे। दैट्स नाइस, क्योंकि महाप्रभु का मूवमेंट ही कीर्तन है, उसी से लोग जुड़ते हैं, उसी से लोगों को पता लगता है कि ये लोग और लोगों की तरह नहीं है कि बस मंदिर में बैठे रहते हैं। इट मेक्स अ डिफरेंस। सो प्रभुपाद का टाइम ऐसा था, प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि मैं आई थैंक यू फॉर परफॉर्मिंग कीर्तन देयर। कीर्तन इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तुम हरे कृष्णा जप करोगे बिना किसी अपराध के, 10 नाम अपराध के, तो निश्चित रूप से जो तुम कीर्तन करोगे उसका प्रभाव लोगों पे होगा। और प्रभुपाद ने भी बोला है कि जब भी हरिनाम करने जाओ तो उस टोली में एक शुद्ध भक्त जरूर होना चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब जिसका लक्ष्य शुद्ध है, जिसको अन्य अभिलाषता शून्यम, जिसको जीवन में उजाला, प्रतिष्ठा, धन, जन, सुंदरी ये सब नहीं चाहिए, उसको कृष्णा चाहिए, वो सब शुद्ध भक्त है। तो ऐसे लोग जरूर होने चाहिए कीर्तन में, उससे जरूर फर्क पड़ेगा लोगों की मानसिकता में। एंड एनीवे इफ दिस वाइब्रेशन इज मेड, इट विल बी लाइक बिकॉज इट इज डन ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। शिला प्रभुपाद ने भी अपना मूवमेंट कीर्तन से शुरू किया था। नहीं, प्रभुपाद ने अमेरिका में कहाँ किया था, वो न्यूयॉर्क में टॉमस्किन स्क्वायर पार्क था, वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया। बस अकेले बैठ के प्रभुपाद ने चैंटिंग करी, एक दो डिवोटी से हेल्प कर रहे थे और वहां से फिर लोग जुड़ने लगे। सो दैट्स वो पावर है कीर्तन की। एक्चुअली हम कीर्तन को अंडरएस्टिमेट करते हैं, मगर अंडरएस्टिमेट समझते हो ना, हम लोग सोचते हैं कि सड़कों पे जब सड़कों पे नाचने से और गाने से क्या होगा, मगर एक्चुअली महाप्रभु का मूवमेंट ही है, मूवमेंट ही है कि बाहर जाओ गलियों में, हरे कृष्णा बोलो और हरे कृष्णा के शक्ति से माया का प्रभाव कम हो जाएगा। और एक्चुअली देखा क्या है, जहां भी रेगुलर कीर्तन होते हैं, जिस कॉलोनीज में, जैसे बाहर के देशों में या कहीं भी, तो वहां पर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, लोग अपने आप थोड़े ये कहते हैं उसको पॉजिटिव और फ्रेंडली हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं लोग, यू के दीज आर गुड पीपल, अच्छा है। और जब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब देखते हैं डिवोटीज को कि डिवोटी कीर्तन कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, तो वो अपने आप प्रमाण है कि भगवान का नाम लेने से खुशी मिलती है। मतलब आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, अब क्लास में तो आपको कन्विंस कर रहे हैं, चलो भाई ठीक है आप भगवान का नाम लोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, वहां पीछे दो डिवोटी कहेंगे अच्छा लग रहा है तो सो रहा है, तो इमेजिन, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो आप कन्विंस कैसे करोगे, कर सकते हो, मगर कीर्तन करना और कीर्तन में नाचना वो एविडेंस है, वो थ्योरी नहीं, वो एविडेंस है कि ये लोग खुश है, दैट्स ऑल। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की प्रथा शुरू की, ठीक है जाओ बाहर नाचो सड़कों पे, तो लोग देखेंगे यार ये तो खुश है, तो हम भी करेंगे ऐसा, यही होता है ना।
उसमें लॉजिक नहीं देना पड़ता। ऐसे ही होते सारे 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 ऐड भी ऐसे बनते हैं, नहीं सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे हैं, कोका कोला का ऐड देखो या माजा का देखो, तो वो माजा क्या है, वो पी रहे हैं और हवा में उछल रहे हैं, ये है। नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है, मतलब आप उसमें ऐड में नहीं बोला कि माजा में क्या कॉन्टेंट्स हैं, इसमें नहीं बताया कि इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या इसमें ये केमिकल है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, कुछ नहीं है। बस ये है कि एक आदमी है, लड़की मजा पी रही है और उछल रही है हवा में, तो आपको इतना मजा आ रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। यू सी सेम थिंग कीर्तन में, तो आप कीर्तन कर रहे हो, आप हवा में उछल रहे हो और इंजॉय कर रहे हो, तो लोग कहेंगे हाँ चलो मैं भी करके देखता हूँ। अब प्रभुपाद ने ये ट्रिक अपनाई, ये महाप्रभु की ट्रिक थी, प्रभुपाद ने कीर्तन कराया, चलो करो, इतने सारे यंग लोग जुड़े, वो इंजॉय कर रहे थे, स्ट्रीट्स में नाच रहे, लोगों ने देखा यार इनको इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी करके देखता हूँ, लेट्स ट्राई, नहीं कहते नहीं है, लेट्स ट्राई। सो इसलिए कीर्तन एक तरह से एविडेंस है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग भी रेगुलर हरिनाम के लिए जाएं, जाना बहुत जरूरी है। और हरिनाम में ऐसा नहीं है कि हम हरिनाम के लिए जा रहे हैं, वो चार जने आगे मृदंग बजा रहे, करताल वो नाच रहे हैं, बाकी पीछे चलते आ रहे हैं आराम से लोग, तो वो भी गड़बड़ है, नहीं ऐसे जनरली लोग ऐसे करते हैं नहीं कीर्तन, और जो लोग संस्था वाले वो टिंग 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 करते रहते हैं, चलते रहते हैं सब, और वो एक्चुअली अच्छा फॉरनर्स बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, कभी आप देखोगे ना तो दे एटलीस्ट खुश बहुत लगते हैं कीर्तन करते हैं, अगर आप कभी देखोगे फॉरनर्स को, दे आर वेरी हैप्पी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि ये फॉरनर्स नहीं है, ये डांसिंग वाइट एलिफेंट्स हैं, मैं अमेरिका से डांसिंग वाइट एलिफेंट लाया हूँ, समझ रहे हो, सफेद हाथी लाया हूँ नाचते हुए। इंडियंस रोते रहते हैं, वो कुछ चल रहा है, वो आगे वाले एक मृदंग बजाए जा रहे हैं, अरे गिन्ना ये तो कंप्लीट क्रेजीनेस है, इसलिए थोड़े ना हम कीर्तन करने जा रहे हैं बाहर, हमें तो उनको दिखाना है कि भी हम खुश हैं भगवान का नाम लेके, दुखी थोड़े ना, वो तो और भगवान की सेवा नहीं बल्कि भगवान की कहते हैं कुसेवा हो गई है नहीं। सो जब भी कीर्तन करो उत्साह से होना चाहिए, रो रो के नहीं होना चाहिए, ये बोर होके नहीं होना चाहिए कीर्तन, अगर दिल से नहीं भी करो तब भी दिखाओ कि दिल से कर रहे हो नहीं इतना तो होना चाहिए, क्योंकि उस दूसरे को उत्साह मिलेगा। भक्ति क्या है, सेवा ही तो है, भक्ति अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अगर सिर्फ अपने लिए कर रहे हो तो नॉनसेंस है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हम, भक्ति अपने लिए भी कर रहे हैं और भक्त और भगवान की सेवा, एक्चुअली फर्स्ट तो भगवान और भक्त की सेवा है ना। सो ठीक है, अगर आपको भी उत्साह नहीं आ रहा तो फिर भी आप उत्साह से करो, क्योंकि उससे दूसरों को उत्साह मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है नहीं, अगर आप कीर्तन कर रहे हो बस मृदंग उठा के और चल रहा हरे कृष्णा गिन गिन्ना हरे हरे, वो सुनने वाला कहेगा क्या हो रहा है भाई। सो बट इफ यू डूइंग विद एंथुसियाज्म सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और प्रभुपाद ने भी बोला है अगर आप माँ का मन भी नहीं कर रहा और आप दिखाने के लिए कर रहे हो उत्साह से, तो आपको भी उत्साह आ जाएगा, देखना वो दिखाने के चक्कर में खुद भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। अगर आपका मन नहीं कर रहा डांस करने का और आप दूसरों को दिखाने के लिए डांस कर रहे हो, चलो भी ठीक है दूसरों को उत्साह आएगा मैं डांस करूंगा, वो जब डांस करेंगे आपको उनको देख के उत्साह आ जाएगा। इसलिए भक्तों का संग बहुत, भक्तों के संग की यही तो स्पेशलिटी है, भक्तों के संग में हमारा उत्साह, हमारे उत्साह की रक्षा होती है, भक्तों के संग में बेनिफिट है, हम नहीं भी चाहें तो दूसरों को देख के उत्साह आ जाएगा, हम नहीं भी चाहें तो दूसरों के लिए हमें उत्साहित रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सेवा है। जैसे ये मूवी नहीं थी क्या कहते, वो थी आनंद, पता है ना, याद है वो क्या था, बाबा मुशा है, याद नहीं है सबको, सब मैंने देखी होगी, सो कैंसर था उसको, हाँ फिर भी वो खुश खुश रहता था, नहीं कि मतलब एक भोगी ऐसा कर सकता है तो हम भक्तों के ऐसा नहीं कर सकते। सो यू शुड ऑलवेज बी प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद ने कीर्तन की प्रथा शुरू की। सो जब भी आप मंदिर में कीर्तन करो तो प्लीज डू विथ फुल उत्साह।
उत्साह से करो, नहीं इसलिए तो प्रसाद खा रहे हो मंदिर का, क्यों खा रहे हो प्रसाद? उत्साह लाने के लिए तो खा रहे हो, दे ही रहे प्रसाद इसलिए भगवान आपको कि प्रसाद लेके उत्साह से कीर्तन किया जाए। दैट्स द आइडिया। सो अ मूवमेंट इज, प्रभुपाद लिख रहे हैं, एंड ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म देयर बी सर्टन एग्रीमेंट, सो लॉन्ग वन इज ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म देयर इज नो एग्रीमेंट। सो मूवमेंट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम, टेकन टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। सो डू इट नाइसली ऑफेंसली एंड इट विल बी सक्सेसफुल एनीवे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूवमेंट सीधा आध्यात्मिक जगत से आया है, भगवान का नाम ये संकीर्तन मूवमेंट सीधा आध्यात्मिक जगत से आया है। ये लेटर, लेटर ह्यूमिलिटी में है, बोलो है आपकी बात मिल गया। सो सीधा स्पिरिचुअल वर्ड से आए भगवान का नाम और कीर्तन और ये मूवमेंट। ये जो हरे कृष्णा मंत्र है ये सीधा गोलोक से आया है, गोलोक एरा प्रेमधन हरि नाम असंकीर्तन, भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम ने ही भगवान का नाम ले लिया, भगवान के नाम का रूप ले लिया। तो हरे कृष्णा मंत्र केवल अक्षर नहीं है, भगवान का प्रेम ही अक्षर के रूप में। सो वी शुड बी हैप्पी, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि भगवान का नाम लेने को मिल रहा है इस घटिया से जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जहां पर हमारी कोई होप नहीं है, कोई हो आगे कोई भी होप नहीं है। अगर भगवान का नाम नहीं होगा तो हम सब नर्क में नहीं जाएंगे, उससे भी घटिया जगह जाने वाले हैं। सो जहां कोई होप नहीं है, सब कुछ अंधेरा है, वहां हमें भगवान का नाम मिलेगा जो मुक्त जीवों को भी नहीं मिलता। सो अपने अपने में ही ये बहुत, अपने में ये फेस्टिवल है नहीं, अगर आप इसको ध्यान रखोगे अपने में ही बहुत खुशी की बात है, अपने में ही। दिस इज लाइक, अगर मान लीजिए कोई किसी गरीब की लॉटरी खुल जाए 3 करोड़ की या 30 करोड़ की, जिसने अपने जीवन में 100 रुपए भी नहीं देखे, उसके 30 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो क्या होगा? पागल हो जाएगा ना वो, पागल हो जाएगा, 100% कंफ्यूज उड़ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग हैं, जिसने प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं, जिसने धर्म शब्द भी नहीं सुना था। आपने सुना था भक्ति में आने से पहले धर्म क्या होता है? सुना था? युद्ध तो नहीं सुना होगा, नहीं आप लोगों ने? मैं धर्म, आप अगर मुझसे बोलते धर्म तो मैं क्या धर्मेंद्र है क्या है, कुछ सुना भी नहीं था धर्म होता क्या है। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म शब्द भी नहीं सुना, ऐसे लोगों को भगवान वो प्रेम दे रहे हैं जो ब्रह्मा जी को भी अवेलेबल नहीं है, वो भगवान अपना नाम दे रहे हैं जो कि महान महान संत भी भगवान का नाम नहीं ले पाते, वो दे रहे हैं। तो एक्चुअली एक तरह से लॉटरी तो खुल गई। सो हमें अभी एक्चुअली पागल हो जाना चाहिए, बट हमें कोई चाह ही नहीं, क्योंकि हम भूल गए कि एक कहावत है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी मूल्यता नहीं होती। नहीं, इसलिए हमें कोई इसकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही होगी। और एक और कहावत है, घर की मुर्गी वो भी है, अब ये रोज़ हरे कृष्णा चल रहा है, ठीक है चलो हो गया, मगर अब उन लोगों से पूछो जिनके पास भक्ति नहीं है, उनकी हालत क्या है, वो जाके पूछो उनसे, उनके पास तो कोई सहारा ही नहीं है, है नहीं? हमारे पास कोई सहारा तो है, भगवान, कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो ठीक है हमारे पास कोई है कृष्णा, हम उनसे मतलब हमें लगता है कि वो हमारे साथ है, मगर उनके साथ तो कोई है ही नहीं, खाली जो प्रॉब्लम होती है तो रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं, कोई नहीं होता अपना। सो वी आर इन वेरी सेफ पोजिशन, नहीं? सो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा, और दूसरों को भी हैप्पी रखना चाहिए, डिवोटीज को, नहीं डिवोटीज के लिए हमारी सेवा है, हमारी सेवा ही है खुश रहना। ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं नहीं अभी तो मैं प्रॉब्लम में हूँ, अभी कैसे खुश हो सकता हूँ। ठीक है आप प्रॉब्लम में हो, मगर आपकी सेवा है खुश होना नहीं। अगर आप कितनी प्रॉब्लम में हो तो क्या आप मंदिर में सेवा नहीं करोगे? यानी अगर आपकी सेवा है बर्तन साफ करने की और आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप साफ करने आओगे बर्तन? या नहीं? यस या नहीं? या सपोज आरती करनी है तो करोगे नहीं करोगे?
सो ऐसे खुश रहना भी सेवा है। बस चाहे कितनी प्रॉब्लम है आपको खुशी रहना है। वो कहते नहीं जब कैमरे में फोटो लेते हैं चीज चीज कहते हैं चीज चीज कहने से वैसे होता तो नहीं है नहीं चीज 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 कहने से कोई हंसी तो आती नहीं। कहाँ देखते हैं नहीं हम अगर हम बोले चीज कहाँ देख रहे हैं चीज नहीं दिखते इंडिया में नहीं दिखते अमेरिका में दिखते हैं। अमेरिकन बोलते हैं ना थोड़े बढ़ चढ़ के चीज चीज पता नहीं कैसे बोलते हैं बट मैं सोच रहा था इस पर कि पता नहीं ऐसे तो होता नहीं कुछ और बोलना चाहिए फोटो खींचते बाद है स्माइल तो अलग अलग तरीके की होती है। सो कुछ और बोलना चाहिए एक्चुअली मे भी ई बोल सकते हो ई अमेरिका में उसे बोला था कि ई बोलो ई क्लिक एनी वे पॉइंट ये है कि है क्या बोलो श्रींक श्रींक सो इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी क्या बोल रहे हैं बट पॉइंट ये है कि बी हैप्पी दैट्स योर सर्विस सर्विस है। अगर आपको देख के कोई वैष्णव दुखी हो रहा है तो आपने एक्चुअली क्या कहते हैं उसको आपने भगवान की सेवा की बजाय भगवान की मैंने पता नहीं हिंदी में कहेंगे डिससर्विस कर दी। डिससर्विस को क्या कहेंगे हिंदी में है हाँ मतलब सेवा की अवहेलना असेवा कह सकते हैं असेवा कोई वर्ड नहीं होता असेवा कोई वर्ड नहीं होता क्यों सेवा कर दी पता नहीं क्या सो वो अच्छा नहीं है वो दैट्स अ बैड थिंग। सो आप बाबू मोशाय से थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो आनंद पिक्चर से पिक्चर का भी यूज आ जाए ही वॉज हैप्पी इन स्पाइट ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स सो वी शुड बी हैप्पी। सो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा कि देखो इतनी प्रॉब्लम्स ही होते हुए भी ये मेरे भक्तों को उत्साह दे रहे। तब भगवान अगर आप दूसरों को उत्साह दोगे तो भगवान आपको उत्साह दे देंगे। मैंने बताया था ना कि मेरे भक्तों को उत्साह दे रहा है ठीक है मैं इसको उत्साह देता हूँ गुड। सो अपने आप आपकी भक्ति बढ़ेगी दूसरों की भक्ति बढ़ेगी। प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं देन यू विल बी सक्सेसफुल एनी वे। सो प्रभुपाद कह रहे थे जस्ट लाइक दैट इन मिल्क देर इज बटर बट इफ यू हैव टू चर्न द मिल्क टेक आउट द बटर। तो दूध में एक मक्खन होता है नहीं होता है मगर मक्खन को निकालने के लिए आपको दूध को पहले मथना पड़ेगा या क्रीम बनाओ फिर मथो फिर उसके बाद मक्खन निकलेगा। सो उसी प्रकार कृष्णा हर जगह है कृष्णा इज एवरीवेयर बट वेन देर इज क्वेश्चन ऑफ लव वी हैव टू बी इन डायरेक्ट टच विद कृष्णा दैट इज पर्सनलिज्म। प्रभुपाद कहने भगवान हर जगह है मगर जब प्रेम की बात आती है तो हमें भगवान से डायरेक्ट टच में आना पड़ेगा। सो अपने मन को और अपने हृदय को भगवान के नाम से मथना पड़ेगा तब उसमें से प्रेम निकलेगा। कृष्णा भी कृष्ण भगवान ने लीला में मक्खन ही चुराते थे उसके उसका सिग्निफिकेंस ही है। वो मक्खन इसे चुराते थे दिखाने के लिए कि अगर तुम भी अपने हृदय में हृदय मक्खन रूपी बना लोगे तो मैं तुम्हारा हृदय भी चुरा लूंगा ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो जैसे यशोदा माँ मक्खन मथती थी और मक्खन निकालती थी उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति से मेरे नाम से अपना हृदय मथो और उसमें से प्रेम प्रकट करो ये हमें करना है बस। जिस दिन प्रेम प्रकट हो जाएगा मक्खन रूपी हरी हमारे हृदय में आके उस मक्खन को चोरी कर लेंगे सिंपल हो गया। मगर अभी हमारा हृदय कैसा है भागवतम का श्लोक आता है क्या है किसी को बताए हमारा हृदय कैसा है क्या है भागवतम का श्लोक कोई क्यों मेंबर किसी को बताए है क्या है बताओ कुछ क्या है
हाँ हाँ वो यही है, यही है। तदश्मसारम हृदयम वतेदम, दैट्स द वर्स। सो भागवतम कह रही है कि मेरा हृदय, जो जिन लोगों को भगवान का नाम लेके आंखों में आंसू नहीं आते, शरीर में कंप नहीं होता, कंप समझते हो ना, ठंड में होता है जो वाइब्रेशन, शिवरिंग शिवरिंग वाइब्रेशन थोड़े ना, वाइब्रेशन तो बहुत अजीब सा हो गया, वाइब्रेट थोड़े ना करते हम वेव की तरह, शिवरिंग या कंप नहीं होता शरीर में। और जिन व्यक्तियों का भगवान का नाम लेकर हृदय पिघलता नहीं है, उन व्यक्तियों का हृदय, सुखदेव गोस्वामी कह रहे तद अश्मसारम, उन व्यक्तियों का हृदय पत्थर का बना है, स्टील का बना है, स्टील एक्चुअली स्टील अश्मसारम लोहे का बना है। इतनी बार भगवान का नाम लेने पर भी कुछ नहीं हो रहा। सो हमें बस अपने हृदय को मक्खन बनाना है, वो प्रेम प्रकट करना है, और वो भगवान के नाम से होगा। भगवान के नाम से तब होगा जब हम भगवान का नाम उत्साह से लेंगे, रो रो के लोगे तो नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा, उत्साह से लोगे तो हो जाए। क्योंकि अगर आप रो के लोगे तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो डर गया वो मर गया, माया प्रभावित कर देगी आपको। उत्साहित रहोगे तो माया आपसे डर जाएगी, ऐसा होता है, नहीं होता है एक्चुअली, ऐसा होता है। अगर अगर मान लीजिए चूहे और शेर सामने आ जाए, चूहा भी शेर को भगा सकता है वैसे चाहे तो, शास्त्रों में लिखा है। तो अगर शेर शेर धाड़ेगा चूहा भी अगर धाड़े तो शेर डर जाएगा, क्योंकि शेर ने कभी चूहे को नहीं देखा होगा ऐसे करते हुए, ये चूहा कहां से आ गया, ये कुछ स्पेशल है, भागो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये नीति शास्त्र में लिखा है। तो उसी प्रकार माया शेर की तरह, हम चूहे की तरह, मगर अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हम उत्साहित हैं, कृष्ण हमारे साथ है, तो माया भी डर जाएगी, ये तो अलग ही नजर आ रहा है, ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों, कोई शक्ति होगी इसके, तभी तो ये उछल रहा है ज्यादा, क्यों उछल रहा है कीर्तन में, कोई शक्ति होगी नहीं तभी तो उछल रहा है, वरना इसमें कौन सी शक्ति है, तो नॉनसेंस है। तो माया भी बैक स्टेप ले लेती है, चलो ठीक है छोड़ो यार, कुछ गड़बड़ है नहीं। जैसे ये नहीं आया था आपका रामायण में सुग्रीव बाली को ललकारने नहीं आया था राम भगवान के, अगर राम भगवान ने कहा जाके ललकारो, तो सूर्य ने कहा मरना है क्या मुझे, भगवान ने कहा ललकारो, तो सूर्य ने जाके लगा बाली निकल तू बाहर निकल कुत्ते मैं तुझे मारूंगा, मतलब ऐसी गाली, सीरियसली बाली ने गाली दी थी, सॉरी सुग्रीव ने गाली दी थी कि तू नॉनसेंस है ये है, और मेरी वाइफ को लेके बैठ गया और ये वो, मतलब काफी कुछ। तो बाली ने कहा मैं जा रहा हूं, तो बाली की वाइफ कौन थी, तारा थी ना, तारा था ना उसका नाम, तो उसने कहा कि ये जरूर कुछ चक्कर है, क्योंकि सुग्रीव तो ऐसे ही छोटा मोटा है, आप तो ऐसे ही पीट देते उसको, वैसे ही छुप के बैठा था किष्किंधा में, और इतने सालों तक तो आया नहीं, अचानक से आ गया ये, और वो भी आपको ललकार रहा है आपके घर में आकर, इसका मतलब कोई शक्ति इसके पीछे कोई है, आप लड़ने मत जाओ, क्योंकि कोई जब शगुन होने वाला है, मुझे पक्का पता है। तारा बहुत इंटेलिजेंट थी, मगर बाली ने सुना नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कहा मैं जाऊंगा। सो यू सी दैट इज इंटेलिजेंस। सो माया को पता है, आप जितना कीर्तन में उछलोगे तो माया भी सोचेगी उछल क्यों रहा है यार, कुछ प्रॉब्लम है, कोई शक्ति है इसके पीछे। अब एक साइड में खड़े रहोगे, कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है इनको उछलने दो, ये नए भक्त हैं, हम लोग तो एडवांस्ड हैं, हम थोड़ा आराम से बैठेंगे, उत्साहित नहीं होंगे तो माया फिर नहीं, नहीं, नहीं। That's okay. तो माया को फिर उत्साह आ जाएगा, अगर आप उत्साहित नहीं होंगे तो माया को उत्साह आ जाएगा।
आप उत्साहित हो गए तो माया का उत्साह कम हो जाएगा। लड़ाई का पहला नियम ही है, पता है, आप कुंफू सीख लो, कराटे सीख लो, तो मैंने बचपन में कुंफू सीखा था, कुंफू भी सीखा था थोड़ा बहुत, सब ब्लू बेल्ट, रेड बेल्ट वो सब मैंने ली थी, मगर जो भी आप उसमें दांव पे सीखो और जो भी सीखो, मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे होता है कि जब आप दुश्मन के सामने हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसी से आप जीतोगे, क्योंकि कोई लड़ने वाला है उसको पता है, ऐसा होता है नहीं होता है, मैं बोलूँ क्या होता है, लड़ाई तो की होगी बहुत ज़्यादा, लड़ाई में इम्पोर्टेंट है नहीं है, अगर आप डर गए डर तो मर गए, आप चाहे कितना ही एक्सपर्ट फाइटर हो, ये दूसरा आदमी उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो पीट देगा आपको, सो आपको दिखाना है आप डरे नहीं बस, तो वो आधा ऐसे ही मर जाएगा दुश्मन। सो फाइट में सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल कॉन्फिडेंस। ऐसे स्पीच में भी है, आप बोल रहे हो, आपको स्पीच देने दो, आपको लेक्चर देने को बोल रहे हैं और आप लेक्चर में बैठे और आप कह रहे हो, आप पहला स्टेटमेंट है, देखिए मुझे तो कुछ नहीं आता फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुनने वाला कहेगा मेरे से क्यों सुनूं मैं वो तो सोच रहा है मैं बहुत दीन हूँ, है नहीं, कि मुझे कुछ नहीं आता फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं ठीक है चुप रहे यार अब ऐसे ही होता है और कुछ नहीं होता तो स्पीकिंग में भी ऐसे ही होता है, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एक्चुअली स्पीकिंग में भी, अगर आप कुछ भी नहीं पता और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना तो दूसरा आदमी को लगेगा आप सच बोल रहे हो। पॉलिटिशियंस यही तो होते हैं सारे झूठ, इनको यही ट्रेनिंग यही होती है, वो ऐसे बोलते हैं कि आपको बिल्कुल सच लगेगा मगर झूठ बोल रहे होते हैं वो। तो यही टेक्निक है माया से लड़ने की, सो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि यस उत्साहित रहो तो माया डर जाएगी, भगवान आपके साथ रहेंगे और दूसरों को उत्साह दो, ये भक्ति है बस, सिंपल इसको कहते हैं भक्ति बस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज पर्सनलिज्म, इसको पर्सनलिज्म समझते हो, पर्सनलिज्म क्या होता है, पर्सनलिज्म मतलब भक्ति में एक व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति है, नहीं हम भगवान कृष्ण को, कई लोग को बोलते हैं कि भगवान कौन है, तो लोग बोलते हैं भगवान एक शक्ति है नहीं, लोग कहते हैं भगवान एक शक्ति है, महान है, हम ऐसे नहीं देखते भगवान को, हमें पता है कि भगवान एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब कि भगवान को सुख भी होता है दुख भी होता है, नहीं ये सारी चीजें होती हैं नहीं होती हैं, भगवान भी उत्साहित होते हैं अपने भक्तों को देखकर, भगवान भी दुखी होते हैं निरुत्साहित होते हैं जब देखते हैं कि मेरा भक्त अच्छी तरह प्रयास, ऐसा होता है नहीं होता है, जब अपने बच्चों को देखो कि देखो ये फेल होता जा रहा एग्जाम में तो आपका भी उत्साह कम हो जाएगा, क्या मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं मगर ये कर नहीं पा रहा, और अगर वो फर्स्ट आ रहा है अच्छा कर रहा है तो आपको पेरेंट्स को भी उत्साह है, यस। तो भगवान भी एक व्यक्ति है, ऑफकोर्स हमारी तरह व्यक्ति नहीं है, ही इज ट्रांसजेंडेंटल पर्सन, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, बट उनमें भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं भगवान में, वैष्णव फिलोसॉफी है, और उन भावनाओं की केयर करना वो उसको कहते हैं भक्ति, भगवान की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना उसको कहते हैं भक्ति। इसलिए भक्त ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे भगवान की भावनाओं को ठेस पहुंचे, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, और वो हर काम करेगा जिससे भगवान की भावनाओं में उत्साह बढ़े, भगवान को भी आनंद मिले, यस मेरे डिवोटी कितने अच्छे हैं। सो ये इसलिए भक्ति में और ज्ञानियों में ये फर्क है, ज्ञानियों के लिए भगवान एक शक्ति है, ध्यान लगाते हैं ओम और शक्ति लेते हैं, हमारे ऐसा नहीं है, ज्ञानियों के लिए भगवान, ज्ञानियों का भगवान से संबंध एक शक्ति का है, मगर भक्तों के लिए भगवान से संबंध बहुत कोमल संबंध है, प्रेम कोमल होता है नहीं होता है, सो इसलिए उसको संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए भक्त कभी भी कोई खराब काम नहीं करता, उसको पता है कि खराब काम करूंगा तो भगवान को दुख होगा, सो वो अपने को दुख दे सकता है मगर भगवान को दुख नहीं दे सकता, और इसलिए वो भक्त अपने आप को उत्साहित रखता है कि भगवान को भी मुझे देखकर उत्साह मिले, कृष्ण कहते देखो कितना अच्छा डिवोटी है, इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी ये उत्साहित है, और अपने 10 और डिवोटीज को बोलेंगे देखो उस डिवोटी को देख के आओ,
इज सो नाइस, कितना अच्छा डिवोटी है। सो भगवान को भी गर्व होगा हम पे। सो ऐसा ना हो कि हम भगवान के नाम पे कलंक बन जाए, ऐसा नहीं हो, नहीं। हमें भगवान के नाम, हमें भगवान के लिए गर्व बनना है। भगवान भी कहें देखो ये भक्त है प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा भक्त है। नहीं, भगवान कितने खुश होंगे ध्रुव, अपने भक्त ध्रुव को देखकर, प्रहलाद को देखकर। और ऐसे हमें भी देख के खुश होना चाहिए, अगर हम भक्ति अच्छी तरह करेंगे तो भगवान बड़े खुश होंगे। सो प्लीज बी एंथुजियास्टिक। प्रभुपाद का प्रॉपर, प्रभुपाद और भी चीजें लिख रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दिस। बट पॉइंट ये है कि हम लोग मायावादी नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पर यही समझा रहे हैं, मायावादी नहीं है, सब कुछ एक नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। भगवान है, भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, हम सब अलग अलग जीव हैं। भगवान की भावना है, हमारी भावना है, हमारी भावना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी भक्तों की और भगवान की भावना इंपॉर्टेंट है। दिन पे दिन हमें उनकी भावनाओं को उत्साहित और प्रज्वलित करना चाहिए और ये सेवा होगी भगवान के लिए बेस्ट सर्विस, बेस्ट सर्विस ये। और आपको प्रेम देंगे भगवान उसके बदले। हरे कृष्ण। स्टॉप इट। ओके, कोई क्वेश्चन है? आई विल स्टॉप इट। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की यमुना श्याम सुंदर माती जानकी। कुछ कोई है? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। आई स्टॉप बिफोर टाइम। ओ क्या पंकज, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अनुकूल नहीं है, मतलब ऑफकोर्स हमारी भावना उल्टी फुल्टी चल रही है, मगर बाहर से तो दिखा सकते हैं कि हम खुश हैं, मैं ये समझा रहा था। सो अगर बाहर से हम उत्साहित रहेंगे, कीर्तन में नाच तो सकते हैं, कीर्तन में खुश तो रह सकते हैं, और वैसे भी मैं थोड़ा लटका के ही घूमना है तो दूसरों की सेवा होगी, दूसरे भी खुश होंगे, ये आप फिर धीरे धीरे हृदय भी ठीक हो जाएगा। भगवान देखेंगे ना कि दूसरों को उत्साह दे रहा है तो भगवान आपको उत्साह देंगे, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। ये रूल है सिंपल, बस सिंपल सिंपल सा रूल है, जो आप दोगे, जो बांटोगे वो आपको मिलेगा, नहीं जो नहीं दोगे वो आपको, वो भी छिन जाएगा आपसे। ये संसार का ऐसा ही नियम है बस, चाहे आध्यात्मिक जगत चाहे भौतिक जगत, सिंपल। ओके सो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। अभी भी सबका मुंह लटका हुआ है, अब लेक्चर सुना ही समझा ही नहीं आप लोग हैं। हरे कृष्ण। ओके।